2024 चुनाव के लिए आज शक्ति प्रदर्शन। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का जमघट, तो दिल्ली में नए साथियों समेत 38 दलों की एनडीए की बैठक। मानहानी केस में कांग्रेस का कानूनी एक्शन, राहुल की सजा पर रोक को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, तत्काल सुनवाई की मांग की कांग्रेस। यौन उत्पीड़न केस में आज सांसद ब्रजभूषण सिंह की कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बयान से लेकर सबूतों तक का खुलासा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में साजिश पर फौजी प्रहार, एनकाउंटर में 4 आतंकियों का सफाया, हथियारों की बरामदगी और सर्च ऑपरेशन। और नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा से कल घंटों सवाल के बाद आज फिर पूछताछ, पासपोर्ट और दुबई कनेक्शन पर एटीएस का शक। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज एनडीए और महागठबंधन के बीच बैठक की जंग है। बेंगलुरु में शुरू हुई विपक्षी दलों की ये महाबैठक, आपको बता दें विपक्षी दलों की बैठक में 26 दलों के नेता मौजूद हैं। इसके साथ ही विपक्षी बैठक के जवाब में दिल्ली में एनडीए की महाबैठक, और एनडीए की इस बैठक में कुल 38 दल शामिल होंगे, जिसमें कुछ नए दल भी शामिल हैं। और आपको बता दें शाम करीब 5 बजे ये बैठक शुरू होगी। इसके साथ ही दलों की अहम बैठक, दोनों गुटों की यह बैठक में तय होंगे 2024 लोकसभा चुनाव के एजेंडे क्या रहने वाले हैं, रणनीति क्या रहने वाली है, फिलहाल वो इस बैठक के दौरान तय होगा। और विपक्षी दलों की बैठक में सीट बंटवारे और गठबंधन के नाम पर मोहर भी लग सकती है। तो एनडीए की बैठक में कुछ पुराने दलों की घर वापसी हो सकती है। इसके साथ ही सोनिया गांधी कर रही हैं विपक्षी दलों की बैठक की अध्यक्षता। इसके साथ ही एनडीए की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी खुद करेंगे। तो दोनों ही जगह ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए की दिल्ली में महाबैठक, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक। और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में 26 दल शामिल हो रहे हैं, वहीं एनडीए की इस बैठक में 38 दल शामिल होंगे। शिवम पांडे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आप विपक्षी दलों की बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है जिसमें 26 दल मौजूद हैं, वहीं एनडीए की महाबैठक भी होने वाली है आज, और काफी महत्वपूर्ण ये बैठकें हैं और बड़ी रणनीति इन बैठकों के दौरान देखने को मिलेगी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद जी, आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर से देखा जाए कि जो यूपीए की है वो बेंगलुरु में बैठक शुरू हो गई, क्योंकि उसमें देखा जाए लगभग 26 दल शामिल हैं। और हम एनडीए की बात कर लेते थे, इसमें 38 दल शामिल हो रही उम्मीद लगाई जा रही, क्योंकि जैसे जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो कहा कि 38 दल इसमें शामिल हो गए। लेकिन अब ये देखना, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर ये लगातार बैठकों, विपक्ष की बैठक जारी है और एनडीए की ही बैठक जारी है। बस कुछ ही देर में एनडीए की भी बैठक दिल्ली में होने वाली, लेकिन ये देखा जाए कि मानसून सत्र भी 20 तारीख से शुरू होने वाला है, इसको लेकर विपक्ष सरकार को कितना घेरती हुई नजर आएगी। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो कितना अहम होता है कि विपक्ष के लिए भी और पक्ष के लिए भी, लगातार बैठकों का दौर इस समय जारी हो गया है। विपक्ष एनडीए की बैठक में 38 दल जो है वो शामिल होंगे, वहीं अगर विपक्ष की बैठक की बात करें उसमें 26 दल शामिल होंगे, लेकिन दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे में अब विपक्ष की बैठक पर पीएम मोदी ने भी प्रहार किया है, उन्होंने कहा कि ये जातिवाद और करप्ट लोगों की महाबैठक है, पीएम मोदी ने प्रहार किया है। शिवम, बिल्कुल जावेद जी, देखा जाए कि हम अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार लगातार घबराई हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से विपक्ष की गठबंधन एक होने जा रही, इसको लेकर विपक्ष के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार बीजेपी घबराई हुई है। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा बीजेपी इस बार पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अगर हम बात कर ले बीजेपी के जो गद्दावर या एनडीए के जो नेता हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है खाली विपक्ष फोटो खिंचवाने के लिए जगह-जगह अपना मुद्दा रख रही है, क्योंकि इससे पहले पटना में मीटिंग हुई थी, अब बेंगलुरु में हो रही है। अगर जगह बदलने से इनका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से इनका गठबंधन हो नहीं सकता है, और फिर 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पक्ष और विपक्ष से किया जा रहा है जावेद जी, लेकिन अब ये देखना असली मायने में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वो किसके उसमें जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी।
मिशन 2024 है इन बैठकों का, और ऐसे में देखा जाए दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण हैं। और बेंगलुरु में जो बैठक चल रही है उसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं, लेकिन दिल्ली में जो बैठक है उसकी अध्यक्षता खुद पीएम मोदी करेंगे, तो अपने आप में खुद दोनों बैठकें काफी अहम है। जी बिल्कुल, देखा जाए कि जो दोनों बैठकें वो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक बैठक की सोनिया गांधी की अध्यक्षता में की जा रही है, दूसरी जो बैठक है लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में की जा रही है। अब ये देखना होगा कि 2024 का जो मिशन है वो किसके हाथ में जाता है, पक्ष के हाथ में जाता है, विपक्ष के हाथ में जाता है, ये तो देखने वाली ही बात होगी जावेद जी। हालांकि शिवम, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विपक्ष को घेरा जा रहा है, चाहे 23 जून को जो पटना में बैठक हुई हो उसको लेकर, या फिलहाल जो बेंगलुरु में अभी विपक्ष की बैठक चल रही है उसको लेकर लगातार यही कहा जा रहा है, चाहे पीएम मोदी हो या विपक्ष के दिग्गज सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता हो, कि सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन है। और पीएम मोदी की प्रहार की बात करें तो पीएम मोदी ने अभी कुछ देर पहले ही ये बोला है, करप्ट लोगों की बैठक है, इस बैठक का कोई नतीजा नहीं है, कोई हल नहीं है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा, देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं विपक्ष को छोड़ते हुए नहीं नजर आ रहे, सातों से निशाना बना के रखे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो पक्ष के लिए मजबूत होगा या विपक्ष के लिए, तो देखने वाली बात ही होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार जारी है। आप नजर बनाए रखिए शुभम, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक आज शक्ति प्रदर्शन दोनों ही बैठकों का, 38 दल एनडीए की बैठक में तो 26 दल विपक्ष की बैठक में, और दोनों ही बैठकें मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हैं, और दोनों ही बैठकें काफी महत्वपूर्ण हैं, और देखने वाली अहम ये बात होगी कि आखिर विपक्ष किस तरीके से इस बार सत्ता पक्ष को मात दे पाता है, या फिर विपक्ष की बैठक जो है, क्योंकि जिस तरह से चल रही है एक बड़े लेवल की रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है, और दोनों ही बैठकें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। चले इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक से पहले एनडीए के निशाने पर नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में पोस्टर लगे हैं, और पोस्टर में सुल्तानगंज पुल हादसे का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को बताया गया प्रधानमंत्री का कमजोर दावेदार। तो विपक्ष की बैठक से पहले नीतीश कुमार की ये पोस्टर लगे, जिसमें पुल का भी जिक्र किया गया, जो हादसा हुआ उस को लेकर यह जिक्र किया गया, और प्रधानमंत्री के दावेदार का भी जिक्र किया गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के बहुत कमजोर दावेदार हैं। तो बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक से पहले एनडीए के निशाने पर नीतीश कुमार के खिलाफ बेंगलुरु में फिलहाल ये पोस्टर लगे हुए हैं, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और पोस्टर में सुल्तानगंज पुल हादसे का जिक्र किया गया है, क्योंकि जिस तरह से सुल्तानगंज में पुल हादसा हुआ उसको लेकर इस पोस्टर में बाकायदा जिक्र किया गया है, और प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया है। चले इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी बैठक से पहले नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी का तंज। नीतीश कुमार को बिहार में बताया असफल, इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर लगाया फिजूल खर्चे का आरोप लगाया गया है उन पर। आपको बता दें कि मांझी ने साफ तौर पर अपने बयान में यह कहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि नीतीश को भगवान सद्बुद्धि दे। तो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को घेरा है और साफ तौर पर फिजूल खर्चीला नीतीश कुमार को बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा भगवान नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे। देखिए, आंतरिक मामला उन लोगों का है, किसको कन्वीनर बनाते हैं न बनाते हैं उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार अपने घर में महान फेलुअर साबित हुए हैं, चाहे करप्शन का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सोशल सेक्टर में गरीबों की तबाही का मामला हो, स्टूडेंट के जो छात्रवृत्तियाँ मिलती है उसको बंद कर दिया गया हो, लड़कियों को जो फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया हो, तो इस तरह से जहाँ तक शेड्यूल कास्ट का सवाल है, उनको 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी उसमें फेलुअर हैं, वहाँ जमीन 1 बीघा खरीद, 1 एकड़ खरीद करके खेती लायक जमीन देने की बात थी, जब निर्णय लिया गया बिहार में तो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, और झारखंड में आज इम्प्लीमेंट हो रहा है, किसानों को 5 एकड़ जमीन रखने वाले तक के बिजली बिल फ्री की बात थी, ये सब में वो फेलुअर हैं। और फ्यूल खर्ची तो ये हो रहा है कि हमारे उल्टी गंगा बहा करके हम हमारे गया में पानी लाना चाहते हैं, जिसका कि कोई अभी
चले इसी पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विपक्षी बैठक पर सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया। देश की राजनीति में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयान में कहा, चुनाव की एक फॉर्मेलिटी है और विपक्ष जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। राजभर के द्वारा अपने बयान में ये कहा गया, अब मेरा रास्ता 100% एनडीए के साथ रहेगा। राजभर ने यह भी कहा, देखिए अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहां जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गई है। चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है, जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहां बचता है यहां। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहां सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुंचाया, हम तो समझते हैं कि आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज्यादा जाने का काम किया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एनडीए की बैठक से पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। देश में जनाधार रखने वाली पार्टियां एनडीए के साथ हैं। ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में कहा, एनडीए की बैठक 2024 चुनाव की शुरुआत है। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा, तो 2024 में एनडीए को भारी जीत मिलेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाएगी। ब्रजेश पाठक ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष हताश है और भ्रष्टाचार से सना हुआ है। तो साफ तौर पर ब्रजेश पाठक ने एनडीए की जीत की ताल भी ठोकी। ये पूरे देश में जो जनाधार वाले नेता हैं, उनका एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग की बैठक हो रही है और आप देखेंगे कि 2024 के लोकसभा का चुनाव का ये आगाज है और 2024 में जब लोकसभा का आम चुनाव होगा, प्रचंड बहुमत की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला नया एयरपोर्ट। पीएम मोदी ने इस एयरपोर्ट का खुद उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पोर्ट ब्लेयर में मौजूद रहे। इसके साथ ही वीर सावरकर की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। 710 करोड़ की लागत से बने हैं अंडमान निकोबार का यह नया एयरपोर्ट। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष की बैठक पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही विपक्ष की बैठक को बताया कट्टरपंथी सम्मेलन। आज अंडमान निकोबार के ये द्वीप पूरे देश के युवाओं को देश के विकास की नई प्रेरणा दे रहे हैं। साथियों, आजादी के 75 वर्षों में हमारा भारत कहीं से कहीं पहुंच सकता था और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कहीं से कहीं पहुंच सकता था। हम भारतीयों के सामर्थ्य में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य के साथ हमेशा भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर
मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधि में लिखा था, ये अवधि भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है, 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है, यानी गाना कोई और गाया जा रहा है जबकि सच्चाई कुछ और है। नेबल लेबल किसी और का लगाया गया है जबकि प्रोडक्ट कुछ और ही है। इनकी दुकान की यही सच्चाई है। इनकी दुकान पर दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। एक जमाने में एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। आप देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हो गया। 79 साल की उम्र में चांडी ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे थे ओमान चांडी। बेंगलुरु में चल रहा था ओमान चांडी का इलाज और बेंगलुरु में विपक्षी बैठक के लिए जुटे नेताओं ने चांडी को श्रद्धांजलि भी दी। इसके साथ ही कांग्रेस आलाकमान पूर्व सीएम चांडी को श्रद्धांजलि देने खुद पहुंचे। थोड़ी देर बाद केरल पहुंचेगा चांडी का पार्थिव शरीर। इसके साथ ही केरल में ओमान चांडी के आवास पर लोगों की भीड़ जमा। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे ओमान चांडी और 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ओमान चांडी, 79 साल की उम्र में उनका निधन। और इस तरह से विपक्षी दलों की बैठक चल रही है तो कांग्रेस के आलाकमान ने ओमान चांडी को श्रद्धांजलि भी दी। 79 साल की उम्र में ओमान चांडी का निधन। The spirit of Kerala and the spirit of India, he was a true leader of the people of Kerala and we will all miss him. We loved him very much and we will remember him fondly. My condolences to his family and everybody who loved and cared for him. चले आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें पुंछ के सिंधरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों के बीच पहली मुठभेड़ कल रात करीब 11:30 बजे हुई, जिसके बाद निगरानी उपकरणों के साथ ड्रोन तैनात किए गए। भारतीय सेना के अधिकारी के अनुसार आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी के साथ मुठभेड़ फिर से शुरू हो गई और भारतीय सेना के विशेष बल राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वालों के साथ ऑपरेशन का हिस्सा थे। ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादी विदेशी आतंकवादी हैं और उनकी पहचान का पता लगाया जा रहा है। नियंत्रण रेखा के उस पार से आईएसआई और आतंकी संगठनों के सरगनाओं की ओर से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के आसपास बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों को घुसपैठ कर इस पार पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। तो एक बड़ी कामयाबी सेना को हाथ लगी है और जिस तरह से अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, सेना ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। 4 आतंकियों की नापाक करतूत को नापाक नाकाम करते हुए चारों को ढेर कर दिया गया। और आपको बता दें कि ये चारों एक बड़ी साजिश की प्लानिंग में लगे हुए थे। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये पहली मुठभेड़ बीती रात तकरीबन 11:30 बजे हुई थी। फिलहाल सेना को यहां एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।
चार आतंकियों को ढेर किया गया है। असलाह बारूद भी बरामद किया गया है और मुठभेड़ के दौरान चार आतंकी फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ सेना की ये मुठभेड़ हुई थी। रविंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रविंद्र, सेना को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, चार आतंकियों को ढेर किया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बीती रात करीब 11:30 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई थी। यहाँ पर कुछ आतंकियों की सूचना मिली थी जिसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च किया गया और जब आतंकियों के साथ आमना सामना हुआ तो रात को ही एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद इलाके को घेर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने पूरा इलाका आतंकियों को खंगालने में लगा दिया। हालांकि बीती रात से ही ड्रोन के जरिए भी आतंकियों की लोकेशन जो है वो ट्रेस की जा रही थी और सुबह होते ही फिर से आतंकियों के साथ गोलीबारी शुरू हुई जिसमें चार आतंकी जो है वो मारे गए हैं और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी जो है विदेशी हो सकते हैं क्योंकि लगातार आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा रही है और यही वजह है कि ये आतंकी जो है इनका नाता जो है वो पहले जो एनकाउंटर हुए थे उनमें भी बाटा दुनिया में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो नजर आ रही है। तो कहा जाए एक बड़ी कामयाबी जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। कल भी चक्काबाग इलाके में जो है दो घुसपैठियों को ढेर किया गया था। रविंद्र, एक बड़ी आतंकी घटना की साजिश में ये थे, उसकी फ्राक में लगे हुए थे चारों आतंकी जिसको सेना ने नाकाम करते हुए चारों को ढेर कर दिया, क्या कुछ असले इनके पास से बरामद किए गए रविंद्र? देखिए अभी इलाका सैनिटाइज किया जा रहा है और इनके पास से फिलहाल कहा जाए तो 47 और कई उपकरणों के साथ साथ पिस्टल, हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। हालांकि इसके बारे में अधिक जानकारी करीब 1 बजे जो सेना के अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि क्या क्या इनके पास से मिला और क्या इनकी पहचान जो है हो पाई है, कहाँ के हैं और ये सारी चीजें जो है 1 बजे के बाद जो है वो खुलासा जो है वो हो जाएगा। लेकिन कहा जाए तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है वो मिल रही है। अगर बीते 7 दिनों की बात करें तो करीब 12 आतंकियों को अभी तक ढेर जो है वो किया जा चुका है। तो एक बार फिर सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए, आतंकी हमला उस पर किया जाए, लेकिन सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल सही कहा, सुरक्षा बलों ने एक नापाक करतूत को नाकाम करते हुए चारों आतंकियों को ढेर किया है, एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी पीछे एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर में SIA ने छापेमारी की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत विभिन्न शहरों में ये छापेमारी की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय और बैंक गार्ड की हत्या मामले को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। बड़ी और महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत विभिन्न शहरों में ये छापेमारी लगातार जारी है और अल्पसंख्यक समुदाय और बैंक गार्ड की हत्या मामले को लेकर लगातार ये छापेमारी की जा रही है। चलिए यूपी के कन्नौज जिले से बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर कन्नौज में TNP न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मासूम के हाथों कच्ची शराब बिक्री कराने के मामले में हुई कार्रवाई, TNP न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और छापेमारी कर पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन को भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गुरसहायगंज क्षेत्र के गुटैया खेड़ा गांव का यह पूरा मामला था जिसे TNP न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। दरअसल ये सभी जो तस्कर थे ये मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाते थे, मासूम बच्चों से शराब की तस्करी कराते थे, जिसको लेकर TNP न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई इन आरोपियों के खिलाफ की गई है। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है और शराब को भी नष्ट किया है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।